मेरा सवाल है कि अगर स्कूल में बहुत ज़्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़े और कोई बात ना करे यहाँ तक कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी साथ काम ना करना चाहे वो अगर तो तुम्हारे साथ वो जो जर्मन है वो बात भी ना करना चाहे जी। हाँ फिर तो ऐसी तो ऐसी सूरत में हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए बात यह है कि ऐसी सूरत में एक तो तुम रेसिज्म है अगर है तो जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहो कि रेसिज्म है इसको ख़त्म करना चाहिए ठीक है दूसरे सारी तो नहीं रेस में होती ना चंद एक ही होती ना दो चार हैं जो बाकी अच्छी लड़कियाँ हैं या अच्छे स्टूडेंट हैं उनसे तुम रबता रख सकती हो ठीक है उनसे कहो ये देखो हम तो जर्मनी में आए हम जर्मन जुबान बोल रहे हैं हम जर्मनी जर्मन कौम के मुल्क के वफ़ादार भी हैं हमें यही मज़हब ने हमें सिखाया है हु? और हम तुम्हारी खातर काम भी कर रहे हैं हैं अब मैं पढ़ाई स्कूल में कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बड़ी हो के कोई अच्छा काम कर सकूँ हैं और मुल्क के काम आ सकूँ हैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ या फलाम बनूँ और हमारी बहुत सारी लड़कियाँ बनी हुई हैं तो इस किस्म के अगर रेसिज्म हो तो फिर तो लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी तो इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए और कहना इस्लाम हमें यही सिखाता है कि रेसिज्म तो कोई चीज़ नहीं है तो जब हम वफादार हैं मुल्क के तो हमारे से ये क्यों सलूक होता है उन जो अच्छी लड़कियाँ अपने जो रेसिज्म के कायल नहीं हैं उनको अपना दोस्त बनाओ और उनसे ऐसी बातें करो तो वो ख़ुद ही रेसिज्म करने वालों को जवाब देते रहेंगे बहुत जगह ऐसा है, जर्मनी में भी हो रहा है और मुल्कों में भी होता है कि बहुत सारे उनके अपने लोकल लोग जो हैं वही हमारे दूसरी कौमों के लोगों के एशियन के जो एशियन आबाद हैं वहाँ साथ देते हैं वो कहते हैं जो हमारे लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और फिर तुम्हारी तरफ से होके वो उनको जवाब देते हैं तो अपने जो दूसरी अच्छी लड़कियाँ और अच्छे स्टूडेंट हैं उनको दोस्त बनाओ वो खुद ही उन रेसिज्म करने वालों को जवाब दे देंगी लेकिन ख़ुद तुम्हें उनके साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा जवाब देना पड़ेगा या उनके साथ उनके साथ मिलजुल के बैठना पड़ेगा उनकी अच्छी बातें इख्तियार करो और अपनी अच्छी बातें उनको सिखाओ ठीक है